बाकी रजब फैमिली से मुझे एक गिला भी आ। आप लोग यार कैसे मुसलमान हो, आप लोगों को ये नहीं पता कि मंबरगा के अंदर जाना है तो चप्पल उतार के जाना। इन लोगों ने गेट तोड़ दिया, गेट तोड़ने के बाद जब आवाम अंदर आई, पहले तो गेट तोड़ना, अब आप लोग ये मुझे एक बात बताएं, मस्जिद का गेट तोड़ना है किसी मंबरगा का गेट तोड़ना आया, ये कोई ये सब लाइटिंग नजर आ रही है, पूरा आरी पर नजर आ रहा है। ठीक है, अभी कैमरा इतना खास आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन फिर भी और बैक साइड पे जहाँ पे लाइटिंग खत्म हो रही है उससे आगे तरबेला डैम पे सारा, और यहाँ पे इस साइड पे ये सारा इस्लाम आबाद हाथ चल गया। ये देखो मेरा सारे हाथ का बेड़ा तबाह हो गया, जाने हो रही है, दूर से आवाज आ रही है। अच्छा ये सामने खानपुर डैम पर नीचे चाहिए। चलो जी टाइम काफी शॉर्ट रह गया, और ये अभी पकौड़े ये अजी की और ये खाने की बातें सुना रहे हैं, समोसे भी निकल गया, समोसे का बेड़ा रखो गया। ये नीचे रोड है, यहाँ से अभी ऊपर आए हैं। ठीक है, और ये हरिपुर का एक गाँव है, ऊपर टॉप दरबार है। अभी ये तो पहाड़ के हम लोग बैक साइड में, जैसे मुड़ेंगे सामने यहाँ पहाड़, तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके इफ्तारी की तैयारी भी करनी है। टाइम होने वाला 4:45। अकील भाई बैठे हुए हैं, अकील भाई मेरी हिस्ट्री आपको पता है, मेरा नाम अकील और मैं निमरा के नखरे उठाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। 1, 2, 3 तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ जी आप सब पहले से काफी बेहतर होंगे, और रमजान भी तकरीबन गुजर गए हैं, और मैं भी जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर ही हूँ। ठीक है, क्योंकि 3 दिन से सही जो फिट किस्म का होता है ना बुखार, और साथ में फ्लू वगैरह और सारा कुछ, तो ड्रिप्स वगैरह लगवा के हालत ख़राब ही हुई है। तो अभी हम लोग चलने लगे हैं, ये मैं तैयार होके आया हूँ सुबह। ये देखें अभी दिन के बाजरे हैं 2:30, और इन लोगों ने मुझे जगाया कि अफ्तारी जो है वो उधर ऊपर दरबार है, इधर हमारे से तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 1.5-2 घंटे का रास्ता है, तो उधर जाएंगे, ऊपर दरबार पे जाना है टॉप पे पहाड़ के ऊपर, तो उधर जाके इफ्तारी भी करेंगे। और बाकी आपको आज बताते हैं कि मंबरगा का तकद्दस किस किस, मतलब मंबरगा के तकद्दस के बारे में भी आपसे डिटेल में बात करते हैं कि लाहौर में उस दिन क्या हुआ था और क्या नहीं होना चाहिए था, और मैनेजमेंट के क्या इकदाम थे और क्या नहीं थे। और चल उन पर छुट्टी कार बुला के आ गए, बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं। ये छोटा सा गांव है, यहाँ पे इसकी मार्केट है, और यहाँ से ये फजल गया हुआ अंदर चीज़ें लेने, कुछ चीज़ें ये लोग ले आए हैं और कुछ इधर से लेनी है अफ्तारी के लिए। और वो सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों के ऊपर कहीं ना कहीं हम लोगों ने जाना है, मुझे भी नहीं पता अभी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मुझे दरबार मिला ही। चलो जी मैंने रास्ते में से बुला के नहीं बनाया, क्योंकि गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, काफ़ी ये गप्पे शप्पे चल रही थी। तो ये अभी जो है ना पब्लिक ऊपर जा रही है और नीचे से चल के आ रहे हैं। मुझे फ्लू वगैरह टेम्परेचर भी था, लेकिन ये है कि अभी जैसे जैसे वार्म अप हो रहे हैं ना तो सेटिंग बन रही है, कान बंद हुए हैं फुल, आवाज़ भी ख़राब है। ये नीचे रोड है, यहाँ से अभी ऊपर आए हैं। ठीक है, और ये हरिपुर का एक गांव है, ऊपर टॉप दरबार है। अभी ये तो पहाड़ के हम लोग बैक साइड में, जैसे मुड़ेंगे सामने यहाँ पहाड़, तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके इफ्तारी की तैयारी भी करनी है। टाइम होने वाला 4:45, तो जाके इफ्तारी वगैरह कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, कुछ जाके लोग बनाएंगे। खैर मैंने तो बनाना कुछ नहीं है, अचानक इसने कहा यार चलते हैं उधर, तो बाकी गपशप आपके साथ ऊपर जाके करते हैं। अच्छा मेरे शोल्डर पे आप लोग शर्ट जो देख रहे हैं ना, वो मैं इसलिए लाया हूँ कि इधर होती है ठंड, जैसे ही मगरब की अजान होगी इधर ठंड हो जाएगी, तो अभी लगी हुई है गर्मी, लेकिन यही शर्ट फिर ऊपर पहन लेनी है। आगे वाली आवाम वाइब हो गया, और अभी तो थोड़ा सा आपको पहाड़ ऊपर से नज़र आ रहा होगा, पीछे जो बैक है ना उसके टॉप पर जाना। अच्छा मज़े की बात है, इसी चैनल पे मेरी वीडियो लगी हुई है पहले भी, हम लोग इधर आए थे दरबार पे तकरीबन 1.5 साल पहले आए हैं, तो फर्स्ट टाइम उस टाइम मैं आया था, मैं था जो दो दूसरे थे उनको भी नहीं पता था, हम लोग ऊपर टॉप पे गए लेकिन हमें दरबार नहीं मिला था। सो आज मैं फर्स्ट टाइम लोगों से जा रहा हूँ ऊपर, जाके देखते हैं कि कहाँ पे है दरबार और कहाँ पे नहीं है। ओके। अभी तक बुला के प्रॉपर कोई तरतीब नहीं बनी, तरतीब इसलिए नहीं बनी कि थोड़ा मतलब मैं जल्दी में भी था। पहले तो इसने मुझे कॉल की कि भाई हम लोग 2:30 बजे निकल रहे हैं, तो 2:30 बजे मैं अंदर शावर लेने के लिए गया, तो वापस मैं बाहर आया, मैंने कहा रोड पर गाड़ी खड़ी होगी, भाग के पहुँचते हैं, तो भाग के आया लेकिन ये लोग आगे बैठे हुए थे बिल्कुल वेले। तो उधर से अभी तकरीबन अपने गाँव से इधर निकले हैं, 2 घंटे रास्ते में लगे हैं, और वो 2 घंटे तो खैर गप्पों में गुजर गए। अभी ये वाला जो घंटा है ना ऊपर जाने वाला, यहाँ से ये देख नीचे से, वो नीचे से चल के आ रहे हैं। अभी आधी आवाम जो है पीछे है, आधी आगे चली गई है, तो मैं बीच में अकेला इधर सेंटर में रह गया, मैंने कहा आप लोग जाओ मैं ब्लॉग बना के आता हूँ। तो अभी ऊपर चलना है तकरीबन, ये मेरे ख्याल में टाइम हो गया 5 हो गया, तो 6:45 बजे तक इफ्तारी है, तो अभी है तकरीबन, हिसाब लगा लें आप लोग खुद ही। मज़े की बात यह है कि घर में कोई भी नहीं था, वो लोग सब गए हुए हैं नानों के घर, तो मैंने उन्हें बताया बगैर निकला, अगर मम्मा घर होती उन्होंने मुझे कभी भी नहीं आने देना था, क्योंकि लास्ट ये अभी आपको शायद निशान नज़र आ रहा हो पिछले थंबनेल में देखें, उस पर मेरे हाथ के ऊपर कनोला फिट हुआ है, तो
ड्रिप्स वगैरह लगी हैं, लेकिन अभी भी मेरे कान फुल बंद है और फेवर वगैरह आया साथ। और ये देखें, ये दोनों भाई आ रहे हैं, ये साथ देख उठा के ला रहे हैं, इनकी हिम्मत है, मुझसे तो ऊपर जाने नहीं हो रहा अकेले। बाकी अभी रास्ते में आपसे बात करते हैं, उस दिन मैनेजमेंट रजब भाई की क्या होनी चाहिए थी और क्या नहीं होनी चाहिए थी। बाकी रजब फैमिली से मुझे एक गिला भी है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ऊपर जाकर। अरे कहना क्या चाहते हो? ये दरबार ऊपर आ गया, लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ से ना वो आगे आप देखें, ये घूम के जा रहे हैं सारे ऊपर से, तो अभी घूम के इधर आना, और कुछ आवाम जो है वो उधर नीचे पहुंची अभी जी। वो सामने खानपुर डैम पर आ गया, उसकी बैक साइड है खानपुर डैम की, ठीक है। और ये माशाल्लाह हम लोग पहुँचे हैं टॉप पे, ये दरबार है, ठीक है। ये सारी आवाम तकरीबन पहुंची, और अभी बाकी आवाम जो है ये आ रहे हैं, पीछे कुछ लोग आ रहे हैं। अभी अंदर जाता हूँ, अंदर हाजिरी करने के बाद मैंने पकौड़े बनाने हैं सबके लिए, मैंने कहा पकौड़े मैं खुद बनाऊँगा, हालांकि इन लोगों ने बनाने थे, मैं बनाऊँगा। नहीं खोलना था मुझे डायरेक्ट, चलें जी। माशाल्लाह ये टॉप है, ये देखें नीचे से आए हम लोग, नीचे रोड नजर आया। ये जो है ये लंगर वगैरह बनाने की जगह है मेरे ख्याल में, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ खुद। अस्सलामुअलैकुम। और ये आ गई जिनकी चलागा, मेरे ख्याल में ये चलागा, ये चलागा है किबला आलम सखी सैयद लियाकत अली बादशाह मर्चा वाली सरकार, ये जड़ा सा कुल ना जी टेपरेयर। अच्छा अच्छा, इनका दरबार जो लास्ट टाइम हम इफ्तारी करने गए थे उस ब्लाग में, ये इनकी चला गया जिनके दरबार में हम लोगों ने इफ्तारी की थी। ये अभी पकौड़ों का सामान तैयार हो गया, ये अकील भाई बैठे हुए हैं। अकील भाई, आपको पता है मेरा नाम अकील और मैं निमरा के नफरे उठाता हूँ, समझ रहे हो, समझ रहे हो। ये बैठा हुआ, अच्छा ये सारा इधर लंगर के लिए सामान वगैरह पड़ा हुआ इधर लंगर खाना, तो ये भी पकौड़े मैं ही बनाऊंगा साथ इनके हेल्प करते हैं। बाकी आवाम जो है बाहर बैठी हुई है, ये समोसे तैयार हो रहे हैं, ये चार मैंने निकाल दिए, ये आवाम लगी हुई है समोसे जोड़ गए हैं। अकील भाई चलो जी, टाइम काफी शॉर्ट रह गया, और ये अभी पकौड़े ये आज यकीन और ये खाने की बातें सुना रहे हैं, समोसे भी निकल गया, समोसों का बेड़ा वर्क हो गया। चलो जी, बहुत हसीन मौसम है, ये देखें ज़रा नीचे व्यू भी बहुत फिट आ रहा है, मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, ठंड हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता अहले सुन्नत वाले रोज़ा खोल रहे हैं, ठीक है, इनकी दुआ वगैरह हो रही है, अजानें हो रही हैं, ये भी रोज़ा खोलेंगे। बाकी अभी अंदर इफ्तारी फजल बना रहा है, क्योंकि मैं जो है तकरीबन पिछले डेढ़ घंटे से बैठ के लग रहा हूँ, हाथ जल गया, ये देखो मेरा सारे हाथ का बेड़ा तबाह हो गया, अजानें हो रही हैं, दूर से आवाज़ आ रही है। अच्छा ये सामने खानपुर डैम पर नीचे, ये अभी हमारा टाइम हुआ, ये अकील भाई लगे हुए हैं बनाने, सोटी के ना, सोटी के ना, हूँ सोटी पासी, पहले डेढ़ घंटा मैं पकड़ के बैठा ना, उस टाइम सोटी नहीं पाई, तेल खत्म हो गया, मसाला अभी भी है, अबे साले। जी इस व्यू का अपना ही मजा, ये लास्ट टाइम हम लोग गए थे अपने गाँव, उधर ये व्यू आया था, रागी वगैरह इन लोगों ने कर दी थी, और अभी मैं तो अंदर पकौड़े बना बना के पकौड़ों के साथ पकौड़ा ही हो गया था, बैठ चलते हैं तब तक हमारे रोज़े का भी टाइम हो जाएगा इफ्तारी का। वैसे मज़े की बात है, अहले तशरीह टोटल तीन चार ही हैं, बाकी सारे अहले सुन्नत वाले हैं जो रोज़ा खोल रहे हैं, तो ये इधर ने चरागी की है, इसके अंदर भी है माशाल्लाह, अजान हो रही है वो नीचे। अच्छा मैं इतना ऊंचा नहीं बोल रहा क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब है, ठंड लगी हुई है, ब्लॉग को एंड तक देखें। और बाकी ये कि उधर इमाम बरगाह का तकद्दस किसने पामाल किया था और कैसे कैसे हुआ, ये जो है ना वापस जाके डिस्कस करते हैं अफ्तारी वगैरह करके आराम से। पहले बंदा खजूर खाता है, कुछ खाता है डायरेक्ट पानी, त्रे ज़्यादा लगी चढ़ाई चढ़ गया, पहले पकौड़े पकौड़े टेस्ट कर सकते, पकौड़े असा बनाए जलेब के साथ है जी, क्या चलें जी। अभी मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ, अफ्तारी वगैरह कर लिया, रजब भाई ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, इमाम बरगाह के अंदर लोग आए, इफ्तारी हुई, शिया सुन्नी, इवन शिया सुन्नी को छोड़ दें, ये मतलब आपस में इंकशार पैदा करने वाली बात है, नॉन मुस्लिम लोग भी वहाँ पे आए हुए थे, ठीक है, लेकिन जो करने की बात है, जो ज़रूरी है, जिसको हम लोग चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो इसलिए कि आया इमाम बरगाह, इमाम बरगाह हमारी इबादत गाह है, इमाम बरगाह में हम मजलिस करवाते हैं, इमाम बरगाह में हम जश्न करवाते हैं, इमाम बरगाह में हम नमाज अदा करते हैं, तो जिस तरह बाकी मस्जिदों का एहतराम होता है उस तरह इमाम बरगाह का भी एक तकद्दस है और इमाम बरगाह का भी अदब और लिहाज है, ठीक है। अब उधर काफ़ी लोग आए, जब गेट के ऊपर मैंने अब टिकटॉक पे वीडियो लगी हुई है, उसके ऊपर भी कमेंट्स हैं, उसके नीचे मुझे लोग बुरा भला कह रहे हैं,
YouTube पे पिछली जो वीडियो लगी हुई है उस पर मुझे आप लोग बुरा भला कह रहे हो, लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखें इसमें मेरा क्या कसूर है वो आप मुझे क्लियर कर दें। मैं अकेला था और भी मेरे साथ काफ़ी थे, अब हम लोग किसी को पकड़ के, आप देखें आप इंसान को ना ज़ुबान से समझा सकते हैं, ठीक है उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी का गिरवान नहीं पकड़ सकते, आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जब ये लोग गेट के बाहर खड़े थे, ये विस्लिंग कर रहे हैं, उसके बाद ये लोग शाउटिंग कर रहे हैं, तो इन लोगों को मैंने जाके गेट पे भी ये बात बोली है। मैंने कहा यार कि ये इमाम बरगाह है, इसका तकद्दस पामाल नहीं करना, अंदर आराम से आएँ, अदब से बैठें, इफ्तारी करें। रजब भाई आप लोगों को एक एक बंदे को आपके पास आके मिलेंगे। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग जब अंदर आए, अब मैं साउंड वाले के पास खड़ा हुआ हूँ, तो इन लोगों ने गेट तोड़ दिया। गेट तोड़ने के बाद जब आवाम अंदर आई, पहले तो गेट तोड़ना, अब आप लोग ये मुझे एक बात बताएं, मस्जिद का गेट तोड़ना या किसी मामबरगा का गेट तोड़ना आया, ये कोई, मैं कहता हूँ सारी चीज़ें छोड़ दें, किसी रेस्टोरेंट का भी गेट जाके तोड़ो तो यार वो अच्छी चीज़ है, मुझे ये बताओ। हर चीज़ का, हर मतलब जगह का ना एक अदब होता है, ठीक है उसका ख्याल करना चाहिए। मैं किसी को मैंशन नहीं कर रहा, मैं सब के लिए बात कर रहा हूँ अपने समेत। उसके बाद अंदर आए, अंदर आके हम लोगों ने फिर, मैंने माइक में कहा, मेरे पास वो वीडियो थी मैंने वो डिलीट कर दिया, मैंने खुद माइक लिया उससे, जहांगीर भाई से मैंने माइक लिया, मैंने खुद माइक में कहा, मैंने कहा यार ये मामबरगाह है, ये कोई शादी हाल या गेस्ट हाउस या कोई भी इवन लाइक ऐसे शॉपिंग मॉल नहीं है जहाँ पे आप लोग ऐसे कर रहे हो, आराम से बैठो, आप लोगों को इफ्तारी भी मिलेगी और सब कुछ होगा। लेकिन आवाम कहाँ सुनती है, अच्छा चले जेंट्स है तो जेंट्स बैठ थे, हम लोगों ने उनसे सारा कुछ करवा लिया। अब फीमेल जो अंदर जा रही हैं, मैं एक एक को बहन माँ बोल के बात कर रहा हूँ कि यार प्लीज़ आप लोग ना ये चप्पल उतार के अंदर जाओ, चप्पल उतार के, इवन इन लोग, आप लोग यार कैसे मुसलमान हो, आप लोगों को ये नहीं पता कि मामबरगाह के अंदर जाना है तो चप्पल उतार के जाना, आप लोग चप्पल पहन के जा, अच्छा फिर जाके मना करो तो कहते हैं वो फलाने ने पहने, यार फलाने को आप लोग छोड़ो, हम आपको कह रहे हैं आप उतारो, उसके बाद फलाने से भी उतारेंगे, आप तो उतारो ना, अब आप नहीं उतारे, हम लोग आगे से किसी से क्या आपसे उतारें। फिर दूसरी चीज़ ये ना कि जब मर्द होता है ना तो मर्द को आप जाके ज़बरदस्ती भी कर सकते हो, फीमेल के साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने रिक्वेस्ट की, सारा कुछ किया, लेकिन फिर बात वहीं पर आ जाती है। लेकिन इसमें हमारी क्या गलती थी, इसमें रजब भाई की क्या गलती थी, जो रजब भाई को नहीं करना चाहिए था। मेरा किसी को हर्ट करने का मकसद नहीं है, किसी को टारगेट करने का मकसद नहीं है, रजब भाई का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है रजब भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह, लेकिन जो चीज़ गलत हुई है उसको गलत करना हमारा हक बनता, हम लोगों ने जिनके मानने वाले हैं तो हमें हक पे बात करनी चाहिए। तो चीज़ ये है कि रजब भाई को चाहिए था, जिस तरह देखें हमारे पास जो मेरे अल तशी बहन भाई वीडियो देख रहे हैं, मोस्टली अल सुनत वालों को पता, जिस तरह मुहर्रम और सफ़र में या मजलिस के दौरान होता आया, ये अगर तरतीब ऐसी बनी होती ना, मैनेजमेंट ऐसी होती कि गेट के ऊपर बाकायदा सिक्योरिटी चेकिंग लगी होती, पहले तो जो लड़के पिस्टल लेके आए वो भी ना आते अंदर, दूसरी चीज़ ये थी वन बाय वन एक बंदे को अंदर बिठाते, अंदर आता वो आराम से बैठता। अब जब वो ओपन गेट था, जब सारे ऐसे आएंगे तो फिर तो ऐसे ही होना था, फिर ऊपर से हफ्ता, अच्छा ये इसमें गलती ना रजब भाई की है, ना मेरी है, ना किसी और की है, इसमें गलती हम सब की है। सब की कैसे है, जब देखें खाना आया, रजब भाई अभी नहीं आए, रजब भाई तकरीबन अफ्तारी की रात को 9 बजे आए थे, आप लोग जिस टाइम खाना आया आराम से अपनी जगह पर बैठो, मैं अभी भी अभी रोज़ा खोला इतनी पाक जगह पर बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, जैसे मैंने अफ्तारी की थी ना, अफ्तारी हमारा अफ्तारी का टाइम हुआ तो मेरे पास खजूर कोई भी नहीं थी, मैं खड़ा हुआ वो उधर, क्योंकि हम लोगों ने फीमेल्स अंदर थी, मेल्स बाहर थे, हम लोग बीच में खड़े थे कि भाई इधर से उधर कोई बंदा ना जाए। तो एक बंदा आया, उनके अभी चैनल का नाम मुझे भूल गया, कमेंट्स भी पिछले वीडियो पर किया हुआ है और उनका शॉर्ट आउट भी मैंने दिया था वीडियो में, तो उनने मुझे ना खजूर ला के मेरे मुँह में डाली, मुझे बोलते हैं सैयद आप अपने मुँह में खजूर डालें, आप रोज़ा खोलें, मैंने अफ्तारी कर ली। अब आप यकीन करें कि मैंने आखिरी टाइम पे तकरीबन 9:45 का टाइम होगा जिस टाइम मुझे जहांगीर भाई ने पानी की बोतल ला के दी है, मैंने उस टाइम पानी पिया था, रोज़ा अफ्तार कर सिर्फ एक खजूर से रोज़ा अफ्तार किया था। ये गलती किसकी थी, ये हमारी थी, अगर आप लोग आराम से बैठते, हम लोग आराम से बैठते ना, हम लोगों को आपके पीछे ना भागना पड़ता, आप लोग इधर उधर ना होते, सबको प्रॉपर चीज़ें जहाँ पर वो बैठा हुआ था वहाँ पर मिलनी थी। अगर उनने 2000 पार्सल तैयार करवाए वो फूड के जो बैग्स वगैरह थे तो वो आप लोगों को वन बाय वन मिल जाते हैं। चले एक बात करते हैं, 2000 बंदा नहीं था, 5000 था, 4000 बंदा था, लेकिन अगर आप लोग अपनी जगह पे बैठे होते ना, उसमें एक लेग पीस था, एक बर्गर था, चिप्स थे, अगर वो डिवाइड करके दो दो बंदे भी एक पैकेट खा लेते ना तो मेरे ख्याल से सबका पेट भर जाना था, ना वो 800 पीस वापस जाते 800 पैकेट और ना ऐसे ऊपर नीचे खाना जाया होता। तो ये गलतियाँ आप लोगों की थी, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर रजब भाई, पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मैनेजमेंट हमारी मजलिस में होती है, जो मामबरगाह में मतलब सॉरी मुहर्रम में होती है, काइंडली वो तरतीब रखें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरी चीज़ यह कि आपको पता है आपके फ़ैन जो हैं वो सिर्फ शिया नहीं है, वो सिर्फ सुनी नहीं है, वो सिर्फ मुसलमान नहीं है, आपके जो हैं नॉन मुस्लिम भी फैंस हैं, वो भी आते हैं। देखें हर एक को अलग अलग से समझाना बहुत मुश्किल है, बेहतर है कि आप बाहर कहीं ग्राउंड में रखें सारा कुछ, ठीक है। अब ये तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, ठीक है, जो कुछ हो गया, जो कुछ हुआ, मुझे तो काफ़ी डर था कि भाई इससे भी आगे बहुत कुछ होना है, लेकिन शुक्र है मालिक का कि
करम थे मौला के, जो सब कुछ मतलब अमन से हो गया। अब बाहर झगड़ा हुआ जो भी हुआ वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो पिछले ब्लॉग में कर दिया। लेकिन अब मैं मायूस हूँ रजब फैमिली से, ठीक है रजब भाई आपसे बहुत मायूस हूँ। क्यों रजब भाई, अगर आप ब्लॉग में आके बोलते ना कि रजब भाई आके बोलते हैं भाई ये फलाना बंदा है इसको आप सपोर्ट करो रातों रात 1 लाख कर दो, या रजब भाई बोलेंगे तो तब भी आपने करना आया। कि रजब भाई की जो फैमिली है हम लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने पिछला ब्लॉग लगाया, मुझे थ्रेड्स कॉल्स आ रही हैं, मेरा चैनल उन लोगों ने वार्निंग लगाई ऊपर, उसने रिपोर्ट्स मार मार के चैनल का बेड़ा तबाह किया। मेरा तो चैनल गया, यकीन करें वाच टाइम पूरा सब कुछ पूरा, लेकिन वो बढ़ गया। अब आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार मेरे इस चैनल से दूसरे चैनल पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी इस वीडियो पे भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो मैंने कहा यार उसको जाके सब्सक्राइब करो, मुझे उस पे रातों रात 1 लाख करवाओ ताकि उनका मुंह बंद करूं। मैं 2 साल से ये नीचे, काफ़ी मेरे भाइयों ने ना वो नीचे कहा कि वो मतलब ज़्यादा थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा तेज़ होते हैं ना लोग वो थे। अब उसने नीचे क्या कहा है कि ये टोटल स्क्रिप्टेड है। मुझे एक बात बताओ, 1.5 साल से 2 साल से मैं YouTube चला रहा हूँ, तो ये मेरा दिमाग ना ये कंटेंट जो है ना लिखने में या कंटेंट बनाने में सिर्फ टाइम नहीं होता मेरे पास, कंटेंट जितना मैं लिख सकता हूँ शायद मेरे ख्याल में लिखते होंगे लोग, लेकिन मैं अपनी बात करूँगा कंटेंट मेरे पास बड़ा। तो ये स्क्रिप्टेड या जितनी स्टोरी ये कॉल करके धमकियाँ देना, तो मेरे भाई सिर्फ एक बात बोलूँगा, अगर ये करना होता ना आज से 1.5 साल पहले करके वायरल हो जाता, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ ये ना कि अगर मैं स्क्रिप्टेड होता ना तो मैं खुद से करवाता, तो मैं खुद को गलियाँ पढ़वाता, रजब फैमिली को ना पढ़वाता, मैं अपनी शियत पे कभी एक लफ्ज़ ना सुनूं वो बोंगरा था। आपको क्या लगता है मैं स्क्रिप्टेड से सारी गेम करूंगा? यार कम से कम ना बंदे को थोड़ा सा अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए। यार अगला क्या सोच रहा है, अगले पे क्या गुजर रही है, नीचे आप क्या कह रहे हो? बाकी जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जिन लोगों ने नीचे रजब फैमिली और बाकी मेरे जितने भी भाई बहने थे उन सबको थैंक यू सो मच, ठीक है। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहें, मैं व्लॉग डेली बनाता रहूँगा, डेली व्लॉग्स भी आएंगे आगे इंशाल्लाह। ईद के बाद थोड़ी सी, ईद तक बिजी हैं, ईद के बाद मैंने तरतीब ये करनी है कि एक दो हम लोग ऐसे काम करेंगे कि आप लोग भी मुझे बोलेंगे यार वाकई तुमने बहुत अच्छा काम किया। दूसरी चीज़ यह मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि ईद के बाद इस्लामाबाद में रजब भाई का मीटअप रखेंगे। रजब भाई को आप मेरे व्लॉग्स के नीचे मैंशन करते रहें, जितना हो सकता है उनके चैनल को मेंशन करें, रजब भाई तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि ईद के बाद मैं लाहौर आ रहा हूं, लाहौर आके रजब भाई को मिलना भी है। रजब भाई से रिक्वेस्ट करनी है कि इस्लामाबाद में मीटअप रखें। मेरी एक बहन ना नीचे, उसने कमेंट्स किया है, अब नाम मेरे जान से उतर गया, वो कह रही थी कि अगर रजब भाई आपके कहने पर नहीं आते इस्लामाबाद, लाइक वो बिजी होते हैं सारा कुछ आया तो आप उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखे रजब भाई ने खुद ये कहा था कि अपने ब्लॉग में कि यार मैं आप लोगों के उधर आऊँगा, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, आप लोग अब आप लोग मीटअप रखो मैं आ जाऊंगा। तुम अब मैं मीटअप रख रहा हूँ, मैं प्रॉपर सारा कुछ, मैंने खर्चा मैंने करना, सब कुछ मैंने करना है। हाँ सिर्फ एक चीज़ मैं बोलूँगा कि रजब भाई आएंगे, हैदर भाई आएंगे, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वो किस लिए मेरी नहीं है, देखें ये चीज़ वो खुद क्लियर कर सकते हैं, वो बाउंसर लाएँ साथ अपना सब कुछ वो क्लियर करके लाएँ। बाकी वो पार्क में करनी है, F9 पार्क में करनी है, इस्लामाबाद के किसी भी एरिया में करनी है, वो मैं डिसाइड करूँगा। उस उधर जो NOC लेनी है वो मैं लूँगा, अंदर जो DJ सिस्टम होगा वो सारा कुछ मैं करवाऊँगा। सिर्फ ये लोग अपनी सिक्योरिटी लेके आएंगे, मीटअप होगा, हर बंदे को शॉर्ट आउट मिलेगा, मैं खुद भी लोगों को मिलूँगा, ठीक है सबको मिलूँगा। बाकी ये है कि आप लोग सपोर्ट करते रहें, रजब भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग भी हैं, ठीक है मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं। बाकी हाँ रजब भाई बोलेंगे तो रातों रात आप लोगों ने शहबाज शरीफ को उठा के नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना देना, और रजब भाई बोलेंगे तो आपने इमरान खान को जेल से बाहर भी निकलवा देना। खुदा का वास्ता हम लोगों की बात सुन लो, हम लोगों ने भी आपको यही कहा था कि रजब फैमिली हमारा साथ दो, हमने ये नहीं कहा था कि यार तुम लोग मेरा साथ दो, मैंने आप सबको ये कहा था रजब फैमिली आप लोग मेरे बहन भाई हो, ठीक है। और इसी तरह सपोर्ट करते रहो, इंशाल्लाह ब्लॉग मिलते रहेंगे। कैमरे का रिजल्ट इतना खास नहीं है, 11 है मेरे पास, मैं आपको नीचे का व्यू दिखाता है, इतना फिट माहौल है। अभी ठंड भी हो रही है हल्की हल्की और रात हो गई है, यहाँ से तकरीबन 1 घंटा नीचे चल के जाना, उसके बाद गाड़ी नीचे खड़ी है, वहाँ से आगे तकरीबन 1.5-2 घंटे घर तक लगेंगे, घर जाएंगे फिर सारी तकरीबन सारी का टाइम हो जाएगा। बाकी ये नेक्स्ट मेरे व्लॉग आपको मिलते रहेंगे, थोड़े से प्रैंक भी करेंगे लोगों के साथ, थोड़ा सा अलग अलग मस्ती भी करेंगे। फिर हमारे मोहल्ले में एक बंदा, मतलब वो दिमाग से वो क्या कहते हैं अल्लाह वाले लोग, तो वो मतलब उसका जो हुलिया है वो सारा कुछ, मतलब वो मैं उसके लिए लफ्ज़ ये यूज़ कर सकता हूँ कि मजजूब होते हैं ना जिस तरह, तो वो उस तरह के हैं, ठीक है। अब उन अंकल के साथ मैंने क्या करना है, ईद से पहले मैंने करना था, लेकिन हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, गाड़ी टूटी है, वो भी खर्चा आया। फिर उसके अलावा 1-2-3 चीज़ों में और लॉस हुए हैं, तो पैसे मतलब आजकल जेब हुआ हुआ हल्का। तो दूसरी चीज़ यह कि खुद को भी टाइम नहीं मिला ईद के कपड़े लेने का या कुछ भी, ठीक है। अभी भी घर से कल कह रहे थे कि यार तुम लोग जाके कुर्ते ले आओ, बने हुए ले लो, मैंने कहा अभी छोड़ें, आज 27वां रोज़ा है, ठीक है, तो कल मेरे ख्याल में 2 रोज़े पीछे हो रह गए, क्योंकि पाकिस्तान में कभी 30 रोज़े तो मैंने नहीं देखे, जबकि मतलब ये पिछले 3-4 साल हुए हैं। तो अगर कुर्ता लेने गया तो ठीक है, बाकी यह कि उनके अंकल के साथ हम लोगों ने ईद के बाद ये करना है कि उनको एक अच्छा सा सूट लेके, शूज़ लेके देंगे, उनके बालों की कटिंग जाके करवाएंगे, उसके बाद उन्हें हम लोग वो कपड़े नहला के पहनाएंगे, ठीक है, प्रॉपर उस पर व्लॉग बनाऊंगा, उस पर आप लोगों का मुझे फुल सपोर्ट चाहिए,
बाकी मैं देखें स्क्रिप्टेड प्लान ये सारा कुछ झूठ है, आके आपको स्क्रिप्टेड स्टोरियां सुनाने लग जाओ, भाई मैंने ये प्लान किया, ये फलाना किया, ये करना है, वो करना है, तो वो कहानियां मैंने सुना रहा कि आज मैंने इंग्लैंड का वीज़ा लगवा लिया या आज मैंने बैरिया टाउन में घर ले लिया, जो कुछ रियलिटी होगी वो दिखाऊंगा। मेरे साथ रहो इंशाल्लाह, मेरा पूरा इस पर यह भी इरादा है, अगर आप लोगों ने साथ दिया और मौला ने चाह तो इस बार अरबईन पर जाना, ठीक है, अपना इरादा पूरा होना चाहिए, मौला बुलाते हैं, मेरा इस बात पे यकीन है, तो मेरा इंशाल्लाह इस पर पूरा इरादा है अरबईन पे जाने का, तो आप लोगों को ज़ियारतें भी दिखाएंगे, अरबईन भी दिखाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी रजब फैमिली, आप लोगों ने मुझे मायूस किया और मुझे लगता है आप लोग इस ब्लॉग पर भी मुझे मायूस करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं गिला फिर भी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है आप लोग सिर्फ रजब भाई की सुनते हो, बाकी किसी की सुनने वाली बात नहीं है। रजब भाई बोलेंगे अभी मैं चला जाऊँ ना लाहौर, चला जाऊँ रजब भाई के साथ खड़े होकर मैं बोल दूँ कि रजब भाई इनको बोलें मुझे सपोर्ट करें, रजब भाई ने अगर आप लोगों को बोला ना तो फिर आप लोगों ने करना है यार, मेहरबानी करो। अब मैं इधर से हरिपुर से इस्लामाबाद 2 घंटे, इस्लामाबाद से आगे लाहौर 5 घंटे, 7 घंटे ट्रैवल करके बंदा उधर जाए, फिर रिक्वेस्ट करवाया आप लोगों से, वापस आए, पैसे अलग से लगेंगे, जलील बंदा अलग से होता है, फिर वापस आए, फिर भी वो एक बात है 50,000 व्यूज़ यार, मैंने लगाया था ना जिस टाइम व्लॉग, सबसे अच्छा व्लॉग मेरा बना था, मैंने ये चीज़ खुद चेक की है, ठीक है, बाकी भी जितने लोगों ने व्लॉग देखा ना मुझे आके बोलते हैं कि यार व्लॉग सबसे बेहतरीन तुम्हारा था, किस लिए था, क्योंकि मैं अंदर था लोग बाहर थे, लेकिन क्या वो बाकी लोगों के 1.5-1.5 लाख भी व्यूज़ आए हैं, आपके भाई के टोटल 50,000 व्यूज़ आए हैं, वो भी चैनल भी बांट दिया अगलों ने, और हमेशा ऐसा हुआ मेरा कुछ भी अच्छा होने वाला हो ना, कुछ भी अच्छा होने वाला हो, ठीक है, लाइक अगर मेरी कहीं जॉब हो गई है या कोई भी मेरा रिजल्ट आने वाला, तो मेरे साथ कोई ना कोई आगे से इंसिडेंट हो जाता। बाकी इंशाल्लाह ये सीन है कि मैं अभी नेक्स्ट व्लॉग जो आएंगे जल्दी, तो उसमें अनाउंसमेंट ये करेंगे कि हम लोग रजब भाई के साथ मैं प्रॉपर अभी कॉन्टैक्ट करता हूँ जहांगीर भाई के थ्रू, क्योंकि वो कराची गए हुआ, फिर उमरा के भी उनके कोई मेरे ख्याल में सिस्टम चल रहा, तो ये सारा कुछ क्लियर हो जाए तो उसके बाद जहांगीर भाई से मैं गपशप करता हूँ, उसके बाद मैं आपको फाइनल अनाउंसमेंट रजब भाई के चैनल से भी होगी और मेरे चैनल से भी होगी कि भाई हम लोग मीटअप रख रहे हैं कि नहीं रख रहे और कौन सी जगह पर रख रहे हैं, कौन सी डेट को रख रहे हैं। तो ये अगर आप रजब भाई को मिलना चाहते हैं और मुझे मिलना चाहते हैं तो डेली मेरा व्लॉग देखें, डेली मैं अपलोड नहीं करता होता, दूसरे तीसरे दिन व्लॉग आता है क्योंकि थोड़ी रूटीन बिजी चलती है। उसके अलावा ये सीन है कि बाकी अभी मैंने इंशाल्लाह ईद पे 2-3 दिन रह गए, ईद पे हम लोगों ने पूरा इसको सेलिब्रेट भी करना, ठीक है, दोनों चैनल्स का, उन लोगों ने वार्निंग लगवाई है, खैर इंशाल्लाह हट जाएगी वार्निंग भी, आप लोग सपोर्ट करते रहो और सेलिब्रेट भी करेंगे, फिर आप लोगों को थोड़ा सा अपना कल्चर भी दिखाएंगे, बाकी ये है कि साथ साथ डेली रूटीन पे जो जो हमें मतलब मेरे आगे आता चलता रहेगा वो आप लोगों को दिखाता रहूँगा बना के। बाकी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, आप लोग कमेंट्स में नीचे अपने चैनल्स का नाम बताया करें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, शॉर्ट आउट भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, ठीक है। बाकी जो लोग मेरे बहन भाई पूछते हैं ना हरिपुर में आप कहाँ से हैं, तो यार वो मेहरबानी करो, अब इतना बंदा नहीं बता सकता यार, फलानी जगह घर है, गेट के बाहर आप लोग खड़े हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि पिछली बार लास्ट टाइम हमारे साथ ऐसा सीन हो गया, तो अब मैं मेरे अबू जो है ना वो थोड़े से सख्त किस्म के हैं, तो मैं ये नहीं बता सकता भाई मैं हरिपुर में कहाँ से रहता हूँ, कहाँ पर रहता हूँ, ये क्या सीन है, क्योंकि जब अबू ने देखा ना कि ये सीन शुरू हो गया तो मेरा फ़ोन भी चला जाना, व्लॉग तो व्लॉग रह गए, तो सपोर्ट करें। बाकी इंशाल्लाह चक्कर यह है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मीटअप रखूँ, मुझे मिलना चाहते हैं मेरे हरिपुर वाले वाक एंड के लोग, टैक्सला के लोग, इस्लामाबाद, पिंडी के लोग, जयपटाबाद, मानसेरा के लोग, जितने भी हो, अगर मीटअप चाहते हो, मिलकर हम लोग काम करना चाहते हैं सारे, मतलब आप लोग मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है, कमेंट्स में आप लोग बताओ तो मीटअप भी रख लेंगे, ठीक है। हरिपुर बोलते हो, खानपुर डैम पे बोलते हो, इस्लामाबाद में बोलते हो, रावलपिंडी में बोलते हो, जयपटाबाद में बोलते हो, मानसेरा में बोलते हो, जिधर भी बोलते हो बाबा जी रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। वो अभी मुझे पता है गाड़ी वाली आवाज़, पिंडी में गाड़ी चल रही थी ना, मानसेरा पिंडी में तिर बताई, वो किस तरह आवाज़ें देता है उस तरह आवाज़ें मैं दे रहा हूँ, तो जैसे आप लोग बोलोगे वैसे चलेंगे। बाकी आप लोग नीचे कमेंट्स में बताया करो भाई, फ्लां चीज़ पे बनाओ, फ्लां चीज़ पे बनाओ, और उसके अलावा कोई भी चीज़ पूछनी हो, लाइक कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, मुझसे ज़रूर करें, या मेरी कोई गलती हो, या मतलब आप लोगों को लगे यार ये यहाँ से गलत बात कर रहा है, या इसके बोलने का लहजा ठीक नहीं है, अंदाज़ ठीक नहीं है, या मुझे मतलब थोड़ी सी अपने अंदर ये चेंजिंग लानी चाहिए, तो वो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको जाके फॉलो करें, वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ, अगर बिजी हुआ तो माजरत, लेकिन रिप्लाई मैं करता हूँ हर बंदे को। Kazim/Naqvi05 मेरा अकाउंट है, उसको भी जाके फॉलो करें। टिकटॉक पर जाएँ, Kazim Vlog और सईद Kazim Ali Naqvi के नाम पर मेरा टिकटॉक अकाउंट है, उसको जाके फॉलो करें। जी चावल बना के लाए थे, ठंडे हो गए, अभी इसको दोबारा दम लगा रहे हैं, बेचे को ये क्योंकि ये ठंडी हो गई है बिरयानी, अभी इसको दोबारा गर्म करेंगे। अकील भाई घूम रहे हैं, मेरा नाम अकील है और मैं नमरा के नखरे उठाता हूँ। चलो जी अब नीचे तारे ही तारे हैं, तारे मीन्स लाइटें हैं सारी, इस तरफ आबादी नहीं है, ठीक है, इस तरफ कम है, वो बैक साइड पे इस्लामाबाद है सारा, और ये सामने जो सामने लाइन नज़र आ रही है लाइटों की, ये वॉक एंड है, तो ये सारा हमारा हरिपुर है नीचे, ये हरिपुर का मतलब ये समझे 5% एरिया, बाकी पहाड़ के दूसरी साइड पर है। चल जी ये चाय तैयार हो रही है, ठीक है, अभी सारे सबके लिए, और चावल उधर दम लग रहा है, चावलों को भी दम लगा दिए, चाय मैं बना रहा हूँ सबके लिए, और उसके बाद सबको चाय पिलाएंगे और यहाँ से निकलेंगे।
चले जी अभी हम लोग टॉप पे खड़े हैं ठीक है, इधर टॉप पे आ गए हैं। दरबार काफी नीचे था, अभी ये लोग मुझे लाए और दिन को एक बार हम लोग इधर आए थे ठीक है। और ये सारा नीचे ना अभी ये सब लाइटिंग नजर आ रही है, पूरा आरी पर नजर आ रहा है ठीक है। अभी कैमरा इतना खास आपको दिखा नहीं सकता लेकिन फिर भी, और बैक साइड पे जहाँ पे लाइटिंग खत्म हो रही है उससे आगे तरबेला डैम पे सारा, और यहाँ पे इस साइड पे ये सारा इस्लामाबाद ठीक है। ये आई पूरा नीचे और ये हम ये मादशाह है साथ, ये बाकी पता नजर आ रहे। ये देखें जी ऐसे रास्ते हैं यहाँ पे ठीक है, और पीछे डेरे भी बने हुए हैं, टंकी बनी हुई है, खौफनाक रास्ते हैं। और यहाँ से हम लोग चल के जा रहे हैं, रात को कोई है कौन है, हम खुद हैं। ये मैंने अपना आईफोन 15 लाइट लगा के रखा हुआ है क्योंकि इसमें चार्जिंग ना ख़त्म हो जाए। तो अभी मुझे रास्ता नज़र नहीं आएगा, ये मैंने नीचे साथ ये भी लगा लिया। चलें जी अभी नीचे चलते हैं, नीचे जाएंगे पहले ऊपर जाएंगे, दूसरी तरफ ऊपर जाएंगे तो से नीचे जाना है दूसरे रास्ते से। बिस्मिल्लाह रुक गई, रात के बज गए 9, तो मुझे पता है इसका अंदर जो है ना आवाज़ मेरी गूंज रही है क्योंकि तकरीबन खाली है। लेकिन ये है कि मेरी आवाज़ भी इतनी प्यारी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल से पढ़ना चाहिए, आवाज़ें मैटर नहीं करती। तो एक दो शेर पढ़ूंगा उसके बाद बाहर बैठे हुए सारे, तो एक और कलाम बाहर जाके पढ़ेंगे, लेकिन एक जो है मैं इधर पढ़ूंगा। तो اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بوكي تمت کربل وچ نقصان علی دیاں دا بوکی تمت کربل وچ نقصان علی دیاں دا ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਬਾ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰਬਾ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੁਰਾਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਬੌਕੇ ਤੈ ਉਮਦ ਕਰਬਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾ। बीच में कॉल आ गई थी इसलिए वो वीडियो रोकी, अभी बाहर बैठते हैं कलाम बाकी आप लोगों को बताते हैं। मेरे शूज़ वो पड़े हैं। शब्बीर तेरी गुर्बत की कसम मैं लाश तेरी दफना देती, शब्बीर तेरी गुर्बत की कसम मैं लाश तेरी दफना देती, शब्बीर तेरी गुर्बत की कसम मैं लाश तेरी दफना देती, शब्बीर तेरी गुर्बत की कसम मैं लाश तेरी दफना देती। घर सर पे मेरे होती चादर उन तुझे पहना देती, घर सर पे मेरे होती चादर मैं कफन तुझे पहना देती, शब्बीर तेरी गुर्बत की कसम मैं लाश तेरी दफना देती। अच्छाई किया मजलूम के तुम काबे से निकल आए वरना, अच्छाई किया मजलूम के तुम काबे से निकल आए वरना, ये उम्मत है मौके बदले, ये उम्मत है मौके बदले, काबे को आग लगा देती, शब्बीर तेरी गुर्बत की कसम मैं लाश तेरी दफना देती, शब्बीर तेरी गुर्बत की कसम मैं लाश तेरी दफना देती। शब्बीर तुझे मालूम तो है रस्सी से बंधे हैं हाथ मेरे, शब्बीर तुझे मालूम तो है रस्सी से बंधे हैं हाथ मेरे, गर हाथ खुले होते मेरे, गर हाथ खुले होते मेरे मैं लाश वतन पहुंचा देती, शब्बीर तेरी गुर्बत की कसम मैं लाश तेरी दफना देती, शब्बीर तेरी गुर्बत की कसम
मैं लाश तेरी दफना देती। अफसोस के देश पर आया है वरना मैं तुम्हारी मैयत पर। अफसोस के देश पर आया है वरना मैं तुम्हारी मैयत पर। हम वार लगाती फूलों के कलियों के नी बरसा देती। शब्बीर तेरी गुर्बत की कसम मैं लाश तेरी दफना देती। सर सर पे मेरे होती चादर मैं कफन तुझे पहना देती। शब्बीर तेरी गुर्बत की कसम मैं लाश तेरी दफना देती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। अल्लाह का शुक्र है हम लोग नीचे पहुंचे हैं। अभी आपको पहाड़ नजर नहीं आएगा ना रोड नजर आएगा, रोड नजर आएगा। खैर लाइटें लगी हुई हैं, ये बाकी वहाँ भी पहुंच गई है। अभी व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आगे दो घंटे का रास्ता घर पहुंच के फिर आराम भी करना, व्लॉग एडिट भी करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, व्लॉग को शेयर करें। जल्द मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।